हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुचिका और स्वागत है आपका रुचिकास ब्यूटी वर्ल्ड में। अपने आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक हेयर पैक की रेमेडी लेके आई हूँ और इस पैक को लगाने से आपके जो बाल हैं वो घने होंगे, लंबे होंगे। अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो भी आपका जो है इससे दूर हो जाएगा। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम तीन तीन चार चार घंटे हेयर पैक को लगा के बैठे या मेहंदी लगा के बैठे। तो ये जो पैक है इसको अगर आप आधे घंटे से लेकर एक घंटे तक भी अपने बालों में अप्लाई कर लेते हैं तो रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। तो इस पावर पैक के लिए जो इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं मैंने वो है ये मेहंदी। ये वही मेहंदी है जो मार्केट में आपको मिलती है। ये फेनिग्रिक सीड्स है, मतलब मेथी दाना, ये भी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये है दही। दही जैसे कि आप जानते हैं ये प्रोटीन का बहुत ज़्यादा अच्छा स्रोत है। और ये वही कॉफ़ी है जो मार्केट में आपको इंस्टेंट बनाने के लिए मिलती है। ये एक पाउच लिया है मैंने, इससे अच्छा कलर आ जाएगा। तो ये सभी और साथ में हमने ये पानी लिया है। ये सारे इंग्रेडिएंट जो हैं इससे अब हम इस पावर पैक को बनाएंगे। तो ये सबसे पहले मेहंदी ली है मैंने, 4 चम्मच मेहंदी है और इसमें अब मैं ये 1 चम्मच के आसपास मेथी दाना डाल रही हूँ। अब ये दही ली है मैंने और 1 चम्मच और 1 बड़ा चम्मच 2 चम्मच के आसपास ये दही भी मैंने इसमें डाल दी है। कॉफ़ी पाउडर लिया है मैंने और इस कॉफ़ी पाउडर को भी मैं इस मेहंदी में डाल देती हूँ। अभी हम इन इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से मिला लेंगे और थोड़े पानी की हेल्प से अब मैं इसे स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। और इस पेस्ट को हम कम से कम 4 से 5 घंटे तक भीगा हुआ रहने देंगे ताकि जो सारे हमने इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं अच्छे से एक दूसरे से मर्ज हो जाएं और जो मेहंदी है इसे भी थोड़ा भीगने के लिए। तो अब ये हेयर मास्क जो है ये मैंने अपने सर पर लगा लिया है और आप इसे रूट टू टिप्स तक लगाइए और इसे आधे घंटे के बाद आप कभी भी धो सकते हैं और नॉर्मल वाटर से इसे आप धो लीजिए। एक बात मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाहती हूँ कि जब आपको शैम्पू करना हो मेहंदी लगाने के बाद तो ऑयलिंग ज़रूर करिए, क्योंकि जो मेहंदी है वो आपके बालों को ड्राई करती है और इस ड्राइनेस को कम हमें करना है। इसलिए हम अच्छे से ऑयलिंग करेंगे। आपको जो भी आप ऑयल लगाते हैं उससे अच्छे से बालों में अप्लाई करिए और उसके आधे एक घंटे बाद या अगर एक दिन भी बाद चाहें तो आप शैम्पू कर सकते हैं। इससे आपके बाल रूखे नहीं होंगे ज़्यादा और इस पैक का फ़ायदा आपको पूरा पूरा मिलेगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।